वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ। आज मैं शेड्यूल से थोड़ी लेट चल रही हूँ क्योंकि अगस्त्य की तबीयत ठीक नहीं है। हमने सोचा था कि जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, उसको कान्हा जी बनाएंगे, मगर वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब पॉसिबल होगा। अगर वो थोड़ा भी हैप्पी होगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए, इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम सेलिब्रेट करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम कान्हा जी को पंचअमृत से नहलाते हैं। यहाँ पर मेरी मम्मी अभी कान्हा जी को नहलाएंगी, फिर उनको नए कपड़े पहनाएंगी, तो ये देखते रहिए आप। यहाँ पर कान्हा जी को हम दूध, दही, शक्कर, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएंगे और उसके बाद नए कपड़े पहनाएंगे। पूजा करने के बाद इधर अगस्त्य और उनकी मासी बैठे हैं डेकोरेशन करने के लिए। ये कुछ फ्लावर्स हमने मार्केट से मंगवा लिए थे। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का जो भी हम कर पाएंगे। अगस्त्य, मेरा कान्हा बीमार हो गया है। नहीं आना वीडियो में। हैप्पी जन्माष्टमी कर दो सबको। हैप्पी जन्माष्टमी कर दो। नहीं तो हमने सोचा कि यहाँ पर कृष्ण जी का झूला रखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सजावट कर देते हैं। तो उसके लिए आम पत्ते, गेंदे का फूल, ये रोज़ पेटल्स, ये सब हमने मार्केट से मंगवा लिया था। और ये ईस्ट फेसिंग जगह है, तो हम यहाँ पे एक चौकी रखे हैं, उसी को सजाएंगे। और हमने साइड में ऐसे गमले रख दिए हैं, इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। अगस्त्य बहुत परेशान कर रहा था, तो ये सारा डेकोरेशन मेरी सिस्टर कर रही है और मैं अगस्त्य के साथ खेल रही हूँ। चलो ऑन करके दिखाओ। इधर इधर। इसको साइड समझ नहीं आती ना। छोटू लगेगी बेटू। ये देखो खुद से नहीं आएगा बेटू, ठोकू ठोकू करने से। और चौराहे पे घर ले लो। सो फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड विथ ऑल द डेकोरेशन। हमने सारी डेकोरेशन कर ली है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इस डेकोरेशन का पूरा क्रेडिट जाता है मेरी बहन को। हमने वो गमले साइड से हटा दिए क्योंकि वो काफी बल्की लग रहे थे, और ऐसे छोटे छोटे से दो गमले रख दिए। और यहाँ पे ये देखिए, छोटा सा कान्हा जी का झूला भी रखा हुआ है, हम इसमें इनको रात को बैठाएंगे। ये हमने जो ऊपर यू शेप बनाया है उसको साइड साइड में ऐसे गमले का सपोर्ट दे दिया, और वो यू शेप जो है वो अगस्त्य के एक झूले में लगा हुआ था, उसे निकाल करके यहाँ लगाया है। और ये सिंपल सा डेकोरेशन है, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अगस्त्य को ड्रेसअप किया और ये कान्हा बन के बैठा है। कान्हा का माखन मिला नहीं है अभी।
अगस्त्य की तबीयत उतनी ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा डल है, बट फिर भी मैंने कहा चलो इसकी पहली जन्माष्टमी है, ड्रेसअप करना तो बनता है। और ये मेरे कान्हा का माखन आ गया। वैसे तो ये हर चीज़ मुंह में डालता है, लेकिन ये माखन एक बार भी मुंह में नहीं डालेगा। और बस हमने फिर इसको यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं किया, दो चार फ़ोटोज़ ली और उसके बाद मैं इसको सुला दी। आजकल इसके सोने का फेवरेट प्लेस है, ऊपर छत पे झूला लगा है, वहाँ पे इसको सोना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ वहाँ बैठने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी मम्मी भोग का प्रसाद बना रही हैं। इसमें हमने बनाया है धनिये की पंजीरी। ये पंजीरी के लिए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं और ये धनिया रोस्ट हो रहा है। और ड्राई फ्रूट्स और धनिये को रोस्ट करके एक साथ मिक्स कर देते हैं। और मैं अब साबूदाने के वड़े बनाने जा रही हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने साबूदाने में आलू और पीस करके मूंगफली मिलाया है। साबूदाने वड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसके टिक्की बना करके फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बहन को कैमरा दिया कि तुम थोड़ा वीडियो बना दो हमारा, लेकिन ये तो अपनी मजाक मस्ती में लगी थी। अगस्त्य के ड्रेस का एक बैंड था, वो देखिए मेरी बाह में बांध दी है। अब उसको इस चीज से प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको डीप फ्राई क्यों करेंगे, इसको शैलो फ्राई नहीं कर सकते, इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए उसने कैसे ये बांध दिया है, खोलने भी नहीं दे रही थी। तो हम सोचे इसी को बांधने, क्या इधर उधर पड़ रहा है, इससे अच्छा तो वो बन जाएगी इसी के यहाँ पर। अभी ये देखिए इसका बनेगा गोल, गोल जाएगा कढ़ाई में, कढ़ाई से निकलेगा थाली में, थाली में जाएगा भगवान जी के पास, भगवान जी बहुत टाइम अभी हमारे पास आने में। ओके गाइस, तेल गरम हो चुका है और ये खुल गया, ब्लड टेस्ट होने वाला है। ये खुल चुका है, ये खुल चुका है। अब मैडम एकदम अपने उस पर आएंगे। ओके गाइस, अब आप देखने वाले हैं एक साबूदाने का वड़ा तलते हुए, और ये जल गया है तेल में, लजीज। ये बहुत फेवरेट है गाइस मेरा। आप लोग मतलब अगर आप लोगों को कहीं पता चले मैं आगे जाकर कभी फेमस हो जाऊँगा, आप लोग पता चले कि मैं आपके शहर में हूँ और वहाँ कहीं साबूदाने के बड़े बहुत फेमस, तो प्लीज़ मेरे तक पहुँचाइएगा, मेरे तक पहुँचाइएगा। गाइस ये बन चुके बड़े, ओ माय गॉड कितने अच्छे लग रहे हो, गोल्डन सिनेरियो मुंह में आएंगे ना यार, तो ठंडे हो जाएंगे जब मुंह में आएंगे। माँ से पूछ तो गर्मा गर्म नहीं करने उसी समय, चिमट जाता है ठंडा होने के बाद। ओके माँ से पूछना है कि ये ओके पूछ के आते हैं। कैमरा लेके जाओ, ये देखिए हमारा ये सुंदर लग रहा है। अब हम रेडी हो गए हैं, घर में पूजा करेंगे, आरती करेंगे और फिर मंदिर जाएंगे। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी का झूला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, बस अब मम्मी कान्हा जी लेके आएंगी और इसमें बैठा देंगी। Thank you.
में पूजा करने के बाद हम यहीं एक पास के मंदिर गए। यहाँ मेरे मम्मी पापा हर साल जाते हैं और यहाँ पे एक जन्माष्टमी का बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, तो आप आगे इसको एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा भजन हो रहा है और कृष्ण जी का बर्थ अच्छे से दिखाया जाएगा, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। Yeah.
अगर आपको मेरे ये जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।